एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ब्रेक के बाद एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में चिंकू पठान नाम के एक शख्स की ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई है। मुंबई के बीचों बीच इस फैक्ट्री से नकदी हथियार और ड्रग्स बरामद हुआ है। चिंकू पठान दाऊद का करीबी माना जाता है। इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद जब आज छापेमारी की तो उसके बाद ये ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई जिसमें नकदी हथियार और ड्रग्स बरामद हुआ है। मृत्युंजय सिंह हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से मौजूद है। मृत्युंजय, क्या अपडेट है और क्या क्या बरामद हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए चिंकू पठान को कल नवी मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। चिंकू पठान की जानकारी के मुताबिक और साथ ही साथ जो अन्य पेडलर से मिली जानकारी थी, तो जानकारी के मुताबिक बीती रात मुंबई एनसीबी ने एक बड़ा रेड कंडक्ट किया। ये साल 2021 का सबसे बड़ा रेड माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ न केवल ड्रग्स मिला है बल्कि हथियार मिले हैं और बहुत नकदी भी मिली हुई है। सबसे महत्वपूर्ण चौंकाने वाली बात तो ये है कि मुंबई के बीचों बीच शहर में डोंगरी इलाके में ये पूरा ड्रग फैक्ट्री चल रहा था, और ये जो ड्रग फैक्ट्री है ये बड़े पैमाने पर चल रहा था, और ये जो इलाका है अब तक ये बदनाम रहा है इस वजह से, क्योंकि यहीं से अंडरवर्ल्ड के जुड़े हुए कई डॉन निकले हुए हैं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो चाहे करीम लाला हो। आपको बता दें कि चिंकू पठान करीम लाला के परिवार का एक सदस्य है। ड्रग्स फैक्ट्री में किस तरह की ड्रग्स तैयार की जाती थी? जो प्राथमिक जानकारी मिली है मेफेड्रोन नाम, यानी एमडी ड्रग, जिसे मुंबई में आम भाषा में म्याऊ म्याऊ ड्रग भी कहा जाता है, बहुत सड़कों पर सामान्य है, युवा इस ड्रग के चपेट में ज्यादा आते हैं, वो ये ड्रग बरामद हुई थी। और भी कुछ ड्रग बरामद हुए लेकिन ये जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि ये किस प्रकार के ड्रग्स हैं। जी तो मृत्युंजय हमें बता रहे थे कि शहर के बीचों बीच, मुंबई शहर के बीचों बीच डोंगरी इलाके में ये फैक्ट्री पकड़ी गई है। ड्रग्स फैक्ट्री से ड्रग्स के अलावा नकदी और हथियार भी बरामद हुए हैं। चिंकू पठान नाम के शख्स की ये फैक्ट्री है। बड़ी तादाद में यहाँ पर एमडी नाम का ड्रग्स तैयार किया जाता था। दाऊद का बेहद करीबी था, एनसीबी ने इसको गिरफ्तार किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई शहर के बीचों बीच इस बदनाम इलाके में ड्रग्स फैक्ट्री बहुत सालों से चल रही थी। बड़ी तादाद में यहाँ से ड्रग्स भी बरामद की गई है। ड्रग्स के अलावा हथियार और नकदी भी, यहाँ से करोड़ों रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। मुंबई के बीचों बीच डोंगरी इलाके में ये ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।